हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि VGMI गेम के अंदर कैरेक्टर को कैसे चेंज करते हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कैरेक्टर का कस्टमाइज कैसे करें। अगर आपके VGMI गेम में कोई फीमेल कैरेक्टर है, आप उस कैरेक्टर को मेल में चेंज करना चाहते हो, यानी कि अपने गेम में मेल कैरेक्टर लाना चाहते हो, तो कैसे लाओगे, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप VGMI में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोगों को अपने गेम में कैरेक्टर को चेंज करने के लिए इन्वेंटरी पर क्लिक करना है। मिशन के बगल में आपको यहाँ इन्वेंटरी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को सिंपली इन्वेंटरी पर क्लिक करना है। जैसे आप इन्वेंटरी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको यहाँ एक एरो देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इस एरो पर क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के कई ऑप्शन आ जाएंगे। और यहाँ तीसरे नंबर पर आपको मेल आइकन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आप लोगों को इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करके यहाँ आओगे तो आपको यहाँ कैरेक्टर कस्टमाइज वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर अभी आप यहाँ देखोगे तो ये फीमेल पर सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ हमें सब कुछ फीमेल का दिखाई दे रहा है। और अगर आप अपने गेम में मेल कैरेक्टर चाहते हो तो आप लोगों को यहीं फीमेल के बगल में मेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली मेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ मेल कैरेक्टर आ जाएगा। कैरेक्टर लेने से पहले सबसे पहले आपको इसका फेस वगैरह सेलेक्ट कर लेना है कि आप फेस कैसा रखना चाहते हो, हेयर स्टाइल कैसा रखना चाहते हो, सब कुछ आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला फेस यूज कर रहा हूँ और हेयर स्टाइल मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। नीचे आपका हेयर कलर भी देखने को मिल जाता है कि हेयर का कलर आप कैसा रखना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो कलर आपको ठीक लगे वो कलर हेयर का रख लेना। एंड जब आप अपना हेयर सेलेक्ट कर लेते हो और हेयर का कलर भी सेलेक्ट कर लेते हो तो अब आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ परचेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस कैरेक्टर को परचेस करने के लिए हमें बीपी क्वाइन चाहिए जो हमें गेम खेलने से मिलता है। ये कैरेक्टर लेने के लिए मुझे 3500 बीपी क्वाइन देने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं ज्यादा कुछ सेलेक्ट कर लिया हूँ इसलिए क्वाइन बढ़ गया है। अगर आपके पास ज्यादा क्वाइन नहीं है तो यहाँ से कोई भी चीज आप अनसेलेक्ट करके क्वाइन अपना घटा सकते हो। अभी देख सकते हो हमने हेयर कलर अनसेलेक्ट किया, तो अब मुझे 3000 क्वाइन में ही कैरेक्टर परचेस करने का ऑप्शन आ रहा है। बट अगर आपके पास क्वाइन है तो आप परचेस कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास 10000 प्लस बीपी क्वाइन है, तो इसलिए मैं यहाँ सब कुछ परचेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर हेयर कलर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब परचेस पर क्लिक करना है। परचेस पर क्लिक करते ही आप यहां देख सकते हो कि मेल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसे कट करके बैक होकर अपने गेम में आते हो तो यहां पर भी अब आपको मेल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।